शराब भवन निर्माण श्रमिक संगठन ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। शराब भवन निर्माण श्रमिक संघ संगठन तहसील सिवानी जिला भिवानी के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों को 90 दिन के प्रमाण पत्र के लिए आ रही परेशानियों को लेकर उपमंडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी तहसीलदार सिवानी को अपना एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि जब से सरकार ने 90 दिन के कार्य के प्रमाण पत्र पर तहसीलदार पटवारी ग्राम सचिव व अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य किया है तब से श्रमिक को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। 90 दिन के कार्य प्रमाण पत्र पर कोई भी अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करता और जबकि श्रम विभाग श्रमिक के सभी आवेदनों पर पटवारी ग्राम सचिव तहसीलदार आदि की आपत्ति लगाकर उन आवेदकों को पर रोक लगा रहा है। सभी प्रतिनिधि संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर सरकार श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो सभी संगठन हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे, जिसमें विनोद खेड़ा, संदीप कुमार, शुभे सिवानी, सतबीर मतानी, साधु रूपाना, विजय प्रीतम, संदीप जांगड़ा आदि भवन निर्माण के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा। आज हमारी जो एक हमारा संगठन नया बनाया है सभी ट्रेड यूनियनों का, जिसमें इंटेक, बीएमएस, सीटू और ईयूटीसी, एचएमएस, यानी कि जो भी 7 यूनियन केंद्र सरकार की सम्मिलित थी, उन ट्रेड यूनियनों को पीछे हरियाणा सरकार ने, श्रम विभाग ने बंद कर दिया था। उसके बाद ने सरकार ने ये कहा कि जो श्रमिक है वो पटवारी, सेक्रेटरी, जेई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कोई भी अधिकारी के द्वारा साइन, अगर वो 90 दिन के कार्य के प्रमाण पत्र पर साइन करता है तो हम ही उसको जो श्रम विभाग की सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन पीछे जो सुविधाएं मिली हैं वो सिर्फ एक वर्कर के नियोजक के आधार पर दी जाती थी या यूनियन से वेरीफाई करना पड़ता था। लेकिन ये जो अधिकारी या तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, उनके पास श्रम विभाग से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला, जबकि अधिसूचना 24 जनवरी 2018 को अधिसूचना श्रम विभाग ने जारी कर दी थी। लेकिन फिर भी ये जो श्रम विभाग के 90 दिन के प्रमाण पत्र पर श्रमिक दर दर की ठोकर खा रहा है, वो कभी बीडीओ ऑफिस में जा रहा है, कभी एसडीएम के पास जा रहा है, कभी तहसीलदार जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पटवारी और सेक्रेटरी और अन्य जो भी अधिकारी है इस मामले में कोई भी अहम कदम नहीं उठा रहे, ना ही कोई अधिकारी इन 90 दिन के श्रमिक के कार्य प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा है। जबकि पीछे दुष्यंत चौटाला ने, इस श्रम विभाग के मंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी श्रम मंत्री है, उसने ये कहा था कि सरपंच के द्वारा या जिला पार्षद के द्वारा, बीडीसी के द्वारा या अन्य जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा अगर आप प्रमाण पत्र देते हैं तो ही वो 90 दिन का कार्य का प्रमाण पत्र किया जाएगा। लेकिन ये सरकार और सरकार के श्रम विभाग के अधिकारी जो निकम्मी हालत श्रमिक के साथ कर रहे हैं, जबकि 31 तारीख को ये छात्रवृत्ति की लास्ट डेट आ रही है और 1.5-2 साल से कन्यादान के, छात्रवृत्ति के सारे फॉर्म पेंडिंग हैं और श्रम विभाग के अधिकारी उनको 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र पर, जिस पर पटवारी, सेक्रेटरी, अधिकारी या किसी ठेकेदार का जो वर्क ऑर्डर देता है उसका अगर प्रमाण पत्र आप देते हैं तो हम श्रम विभाग की सुविधाएं उनको देंगे। लेकिन इनमें ना ही तो कोई तहसीलदार साइन कर रहा है, ना पटवारी कर रहा है, ना सेक्रेटरी कर रहा है। वो दर दर की ठोकर श्रमिक आज इतनी दुर्दशा उनकी हो रही है जो पहले आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन जबकि हमारा संगठन, संयुक्त संगठन ने ये फैसला लिया है कि हम अगर सरकार हमारे लिए कुछ करती है या श्रमिकों के लिए कुछ समाधान करती है तो सही है, नहीं तो अगले 31 मार्च के बाद में हम पूरे प्रदेश का एक महा आंदोलन करेंगे और जिसमें सारी ट्रेड यूनियन, हरियाणा की ट्रेड यूनियन है, वो सभी सम्मिलित होंगी और सरकार को ये बता देंगे अगर जो पीछे आपके साथ में जो आप 75 पार या कुछ कह रहे थे या जमुना पार कह रहे थे वो हालत पीछे कर दी थी, उससे बदतर हालत हम आगे भी करेंगे। लेकिन आज हमारा सिवानी के अंदर वीडियो को और तहसीलदार जी को और एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर आप कुछ करते हो श्रमिक हित के लिए तो श्रमिक को सुविधा जो कल्याणकारी 23 प्रकार की जो श्रम विभाग से मिलती हैं वो सही समय पर मिल जाएगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम ऐसा आंदोलन आगामी तौर पर अगले मंथ में हम करने जा रहे हैं, जिसकी अभी हमारी कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है, लेकिन 24 मार्च को हम हमारे भिवानी के डीसी महोदय को मिलेंगे और उनको जो समस्याएं फिलहाल आ रही है श्रमिक के लिए उनके बारे में अवगत कराएंगे और अपना एक मांग पत्र है जिसमें तहसीलदार को और बीडीओ को और यानी कि जो भी अधिकारी में सम्मिलित श्रम विभाग ने कर रखे हैं उन सभी को कोई लेटर जारी करे जिससे श्रमिक को कोई परेशानी ना हो।